20वां श्लोक भी बड़ा प्यारा है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्र योग सेवया निरुद्धम चित्तम उपरमते। यत्र जहां अर्थात जिस अवस्था में योग सेवया निरुद्धम, योग का सेवन करने से, योग की आराधना, योग की उपासना करने से निरुद्ध चित्त उपरमते, उपराम हो जाता है, शांत हो जाता है। च और यत्र आत्मना आत्मानं पश्यन्, जिस अवस्था में अपने आप से स्वयं को देखता हुआ, आत्मनि एव तुष्यति, अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। ये जो पूर्णता की अवस्था होती है ना, उस अवस्था में जो होता है इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। थोड़ा सा टेक्निकल यहां पर आप समझें, आप सब सुज्ञ श्रोता है एकाग्र चित्त करके, ये भूमिका कौन सी है? यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग सेवया निरुद्ध चित्तम यत्र उपरमते, ये उपरामता की कक्षा कौन सी है? स्टेप बाय स्टेप होता है वो। योग साधना में या तो ध्यान योग में सर्वप्रथम तो धारणा आती है कि मुझे चित्त को स्थिर करना है, केवल स्वरूप में लगाना है चित्त को, यह धारणा होती। जब तक यह संकल्प नहीं होता तब तक आगे की यात्रा चल ही नहीं सकती। दूसरे सभी विचारों को हटा करके मन की ऊर्जा का प्रवाह चित्त केवल उस स्वरूप में, जिस स्वरूप में आपको ध्यान करना है उसमें लगे, एक स्वरूप में लगे, उसे कहा ध्यान। तो पहले धारणा फिर ध्यान। पतंजलि योग दर्शन के आधार पर कहूं तो अष्टांग मार्ग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार फिर धारणा और ध्यान। यम नियम आसन के बारे में हमने चिंतन कर लिया, प्राणायाम है कंट्रोलिंग द ब्रेथ, प्रत्याहार विषयों से लौट कर आना, फिर यह धारणा। ध्यान की अवस्था में तीन होता है, त्रिपुटी होती है, ध्याता ध्येय और ध्यान। ध्याता का अर्थ है द मेडिटेटर, साधक स्वयं को ध्यान करने वाला समझता है, वो ध्याता भाव है। ध्येय साध्य का जो स्वरूप है, साध्य रूप की जिसका ध्यान कर रहे हैं वो ध्येय है, और ध्यान स्वरूप में तद्रूप होने वाली जो वृत्ति है वो ध्यान है। समझ लीजिए, हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं तो हम ध्याता हुए, श्री कृष्ण का स्वरूप ध्येय हुआ, और वो वृत्ति जो चित्त उस एक स्वरूप की ओर एकाकार हो रहा है वो वृत्ति को कहते हैं ध्यान। ये त्रिपुटी होती है, ध्याता ध्येय और ध्यान। अब जो स्वरूप है उसके भी दो प्रकार हैं,
यहां पर जो कहा यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। ध्यान किसका होता है, या तो किसी मूर्ति का करो तो एक प्रकार हुआ, दूसरा स्वरूप आत्मदर्शन करो, अपने भीतर ही डुबकी लगाने का प्रयास। तो बाहर का कोई स्वरूप नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई लाल बत्ती नहीं, कोई दिए की ज्योत नहीं, कुछ नहीं, नो एक्सटर्नल शेप, केवल स्व के अंदर झांकना, स्वरूप। जब तक ये तीन हैं, ये त्रिपुटी है ध्याता, ध्येय और ध्यान, तब तक वो जो प्रयास है वो ध्यान कहा जाता है, वो प्रक्रिया को। लेकिन उससे जब हम आगे बढ़ते हैं, विकास होता है उस मार्ग पर, तब ध्येय की प्रधानता के कारण इस दृष्टांत में हम श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, तो श्री कृष्ण में इतने एकाग्र हो गए कि सर्वप्रथम ध्याता का विस्मरण होता है। ये त्रिपुटी टूटने लगी, देखो अब कृष्ण में इतने मग्न हो गए, ध्येय स्वरूप में इतने एकाग्र हो गए कि मैं ध्यान कर रहा हूं यह स्मरण नहीं रहता, ध्याता का विस्मरण हो जाता। उसके बाद ध्येय में इतने मग्न हुए कि ध्यान भी चला जाता है, हम ध्यान कर रहे हैं, यह हमारे चित्त की वृत्ति, हमारे चित्त का प्रवाह उस परमात्मा के स्वरूप की ओर जा रहा है, वो भी विस्मरण हो जाता, केवल ध्येय बचता है बस। आर यू ऑल विथ मी, समझ में आ रही है बात? पहले ध्याता का विस्मरण, फिर ध्यान का विस्मरण, केवल ध्येय ही बचता है। इस स्थिति को समाधि अवस्था कहते हैं। हम है ही नहीं, केवल ध्येय स्वरूप बस। समाधि दो प्रकार की कही योग मार्ग में, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि ये प्रारंभ की अवस्था है, जो चित्त को एकाग्र करने की अवस्था में होती है। लेकिन समाधि के, संप्रज्ञात समाधि के लंबे समय तक अभ्यास जब करो तो फिर असंप्रज्ञात समाधि हो जाती। शुरुआत में मैं ध्यान कर रहा हूं ये ध्येय स्वरूप है, अब ध्यान, मैं ध्याता ध्यान करने बैठा हूं, ये सब अभ्यास हो, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होती गई ये संप्रज्ञात अवस्था चली जाती है और दिल में बिठा रखी है तस्वीरें, यार जरा सी गर्दन झुका ली दीदार हो गए, ये जो स्थिति। गुजराती में बड़ा प्यारा भजन है, आंख मारी मीचू ने सीताराम देखूं, जैसे मेरी आंखें बंद की सीताराम का दर्शन, मेरे प्रभु का दर्शन। ये सहज अवस्था जब हो जाए इसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो जब तक ध्याता है, ध्येय का नाम नामी स्वरूप संबंध ये सब रहता है, वहां तक संप्रज्ञात समाधि है, और जब वो चला जाए, चित्त की वही एकाग्रता है जहां नाम नामी ध्येय ये कुछ नहीं रहता, तब असंप्रज्ञात समाधि बनता है, केवल नामी, केवल ध्येय बचता है बस। इसी को चित्त की
निरुद्ध अवस्था कहते हैं, स्थिर हो गया आप चित्त। और इस बात को भगवान छठे अध्याय के 20वें श्लोक में समझाते हुए कहते हैं, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम। निरुद्ध चित्त, ये जो निरुद्ध अवस्था है समाधि की, वो भी दो प्रकार की बताई, सबीज और निर्बीज। सबीज समाधि में संसार की सूक्ष्म वासना रहती है, और चूंकि ये सबीज समाधि में सूक्ष्म वासना संसार की रहती है, इसलिए कुछ सिद्धियां प्रकट होती हैं। ये सिद्धियां संसार की दृष्टि से तो ऐश्वर्य है, बहुत मूल्यवान, बड़ी 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 बात होती है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सिद्धियां भी विघ्न रूप है। श्री हनुमान चालीसा में आप बोलते हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि। ये सिद्धियां सबीज समाधि में संसार की सूक्ष्म वासना, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा, ये तो अष्ट सिद्धि बताई, कई प्रकार की वाक सिद्धि, ईशित्व प्राप्ति, सब सिद्धि है। वो जो बोले वो हो जाए। लेकिन ये जब सिद्धि आती है ना कि वो बोले और लोग उसका आचरण करने लगे, तब वो साधक योगी बहुत संयम रखता है, कुछ ऐसा बोल न दूंगा, बहुत संयम। संसार के लिए तो ये सिद्धि आकर्षण का केंद्र होती है, लेकिन योगी स्वयं समझता है कि ये सिद्धियां विघ्न रूप है। बीमार व्यक्ति को ऐसे महापुरुष के पास ले जाओ, केवल हाथ फिरा दे, उस व्यक्ति की बीमारी दूर हो जाए। अब लगेगा लोग, ओह कितनी बड़ी बात, लेकिन ये जो योगी साधक है वो समझता है ये विघ्न रूप है। क्यों? भीड़ लग जाएगी, लोगों की लाइन लग जाएगी, महात्मा जी हाथ फेर दो, हाथ फेर, वो सुबह से शाम तक हाथ ही फेरता रहेगा। और दुनिया है, लोग कहेंगे अरे वाह बिना दवाई के काम हो जाता है तो यहीं पर कर दो। लोगों को उस मार्ग पर चलने की अभिलाषा नहीं होती, लोग उस मार्ग पर साधना करने आगे नहीं बढ़ते, वो महात्मा को प्रणाम करके निकल जाते हैं, चलो हमारी बीमारी तो सही हो गई, आओ जो होशे रह जो। ये महापुरुष को स्वयं लगता है ये विघ्न है, कर्म का जो सिद्धांत है अस्तित्व का, उसमें खलल पहुंचा रहा हूं मैं, वो रुक जाएगा, ये नहीं करेगा, वो विघ्न रूप लगता है उस। ध्यान योगी सबीज समाधि के परिणाम स्वरूप आती हुई इन सिद्धियों को भी निस्तत्व समझने लगता है। क्या रखा है इन सिद्धियों में? उनसे भी जब उपराम हो जाता है तब निर्बीज समाधि प्राप्त होती है, जिसे कृष्ण निरुद्ध अवस्था बताते हैं। पद
अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, दूसरों के लिए भी कुछ नहीं चाहिए। सामान्य व्यक्ति के लिए ये अवस्था को, ये मनोदशा को समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो छोटा सा भी काम करेगा तो उसमें अपेक्षा रहती है कुछ मिलेगा तो वहां जाएंगे हम, कुछ मिलेगा तो कुछ कर्म करेंगे। छोटा सा कर्म करते समय भी उसकी अभिलाषा बनी रहती है कि कुछ मिले। और योगी जिसने परम ऊर्जा के साथ संबंध जोड़ दिया है, अविच्छिन्न संबंध जोड़ा है, अपने लिए तो कुछ मांगता नहीं, दूसरों के लिए भी नहीं, वो मांगता नहीं है। लेकिन याद रखना, ऐसे महापुरुष की एक दृष्टि भी यदि पड़ जाए तो जीवन के सारे काम सफल हो जाते हैं। वो मांगेगा नहीं, हे प्रभु इसका भला कर, ये नहीं कहेगा। लेकिन इस महापुरुष की दृष्टि भी पड़ जाए, ऐसे लोगों की मौज ही कुछ अलग होती है। बहुत कम लोग समझ पाते। दुनिया किसको समझती है? चकाचौंध वाले को। और वहीं पर दुनिया भटक जाती है। उपनिषदों में स्पष्ट लिखा है, जिसके पास ये ऊर्जा होगी वो स्वयं कभी बोलेगा नहीं कि ऊर्जा है, और जो कह रहा है कि मेरे पास ये शक्ति है वो आपको छल रहा है, वो ढोंगी है। जिसके पास है वो कभी नहीं कहेगा, दुनिया से तो नहीं कहेगा, ईश्वर से भी कहेगा, प्रभु ये शक्ति जो तूने दी है ले ले, नहीं चाहिए। क्योंकि ये सिद्धि भी एक बोझ है। बड़ा सुंदर 150-200 वर्ष पहले का दृष्टांत बताऊं मैं, हजारों वर्षों की पहले की बात करूंगा तो आप लोगों के कौन जोवा ग्यू तू, कौन देखने का। 150 वर्ष पहले की इतिहास में लिखी बात, लोगों ने अपनी नजरों से देखी बात। भावनगर के पास समढियाड़ा गांव, गुजरात की बात है। और वहां के दरबार परिवार, 5-7 गांव का छोटा छोटा, वो प्रिंसली स्टेट होते थे ना उस समय, तो 5-7 गांव, बापू कहड़ संघ, ये कहड़ संघ से आप जानो पहचानो नहीं, उसकी पत्नी का नाम यदि मैं दूंगा तो आप तुरंत पहचान जाओगे, गंगा सती। गंगा सती को तो सब जानते हैं, उसके पति के बारे में, उसकी उनकी जो योग्यता थी वो बहुत कम लोग जानते हैं। कहल संघ उपासक थे, योगी थे, और गौरव होना चाहिए गुजरात की प्रजा को कि हमारे यहां गिरनार है जो हिमालय का दादा है, शास्त्रों में लिखा। और गिरनार में ऐसे ऐसे तपस्वी, ऐसे ऐसे महापुरुष। मैं जब छोटा था और अपने गुजराती गीतों में सुनता था कि गिरनार हिमालय नो दादो, तो हमें ऐसा लगता था कि ये तो डायरे वाले सब, भजन वाले अपनी तो प्रतिष्ठा करेंगे ही ना सब, ओहो ओहो ऐसे। बड़ा होकर जब मैं पढ़ने लगा, शास्त्रों का संशोधन करने लगा, तब पता चला ये केवल ओहो ओहो की बात नहीं है, ये हकीकत है कि गिरनार हिमालय का दादा है। जिसे आज हम गिरनार नाम से जानते हैं, मैंने कहल संघ याद रखा, जो गिरनार में कहल संघ कहीं खो ना जाए, बात मुझे कहल संघ की करनी है। तो आज हम जिसे गिरनार के नाम से जानते हैं, वेदों में उसका नाम रैवतक है,
रैवतक पर्वत, इसमें से रेवती नदी आज भी निकलती है। और भूस्तर शास्त्रियों ने जो संशोधन किया है, जियोलॉजिस्ट, पर्वतों की भी उम्र होती है, माउंटेन्स की भी एज होती है, ये माउंटेन को कितने वर्ष हुए, क्योंकि पृथ्वी का जो पट है ना वो बदलते रहता है। आज जहां तुम्हें महासागर दिखते थे, कल कहां वहीं पर जंगल थे, पहाड़ थे, और आज जहां पर पहाड़ दिख रहे हैं कहां वो वहीं पानी भरा हुआ था। अर्थक्वेक्स होते हैं, प्लेट्स खिसकती हैं, फिसलती है, तो कहीं पर बड़ा पहाड़ बन जाता है, कहीं पर समंदर बन जाता है। ये पृथ्वी के लाखों वर्षों के इतिहास में ये घटनाएं होती रहती। तो जियोलॉजिस्ट पहाड़ों की उम्र तय करते हैं। उन्होंने कहा कि गिरनार की उम्र हिमालय से भी अधिक है। गिरनार पर्वत जब था तब हिमालय का अस्तित्व भी नहीं था, तब से रैवत तक खड़ा है। हिमालय नो दादो छे, और उस रैवत तक में जो बड़े बड़े ऋषियों की परंपरा चली आती, उसमें विशेष करके नाथ संप्रदाय, ये कई परंपरा ऐसी है जिनको लोग समझते नहीं। कई परंपराओं से लोग गलत धारणाएं लेकर बैठे, और उसमें कहीं दोनों पक्ष का दोष होगा। नाथ परंपरा, उसमें भी गोरखनाथ जैसे जो महापुरुष हुए, मत्स्येंद्रनाथ, गादी यूपी में जाकर बसी लेकिन उपासना रैवतक में, गिरनार में की है, गोरखनाथ ने बापू। मत्स्येंद्रनाथ उस समय के बहुत बड़े योगी, गोरखनाथ के शिष्य। इसके लिए योग मार्ग में कहा जाता है, चेत मच्छंदर गोरख आया। मत्स्येंद्रनाथ जागृत हो जा, सावधान हो जा, गोरख आया है। ये नाथ संप्रदाय की उपासना कहड़ संघ ने की थी, तपस्वी थे। अब छोटा सा गांव, कहड़ संघ को सद्भाग्य इतना रहा होगा कि पत्नी भी गंगा सती जैसी मिली, तो ये बहुत मुश्किल होता है। लाकड़े माकड़ा जे वड़कता हो ना, पति को इस मार्ग में रस हो तो पत्नी को बिल्कुल ना हो, पत्नी को अध्यात्म मार्ग में रस हो तो पति को बिल्कुल रस ना हो, लेकिन कहड़ संघ और उनको पत्नी भी मिली गंगा सती। गंगा सती तो संस्कारी, लेकिन गंगा सती के साथ जो सेविका आई, उस समय में नियम था कि क्षत्रियों की पुत्रियों का जब विवाह होता था तो पिता अपनी पुत्री को बहुत सारी संपत्ति ये सब देता, उसके साथ गाय घोड़े वो तो सब देता, लेकिन उसकी जो निजी सेविका है वो भी ससुराल जाती थी। उसके लिए गुजराती में बड़ा प्यारा शब्द है सौराष्ट्र में, वडारण। विजय भाई वडारण, वडारण, वडारण के रूप में पानबाई गई थी, वो भी उपासना। और पानबाई ने ये कहड़ संघ और गंगा सती के गृहस्थाश्रम को देखा, गृहस्थाश्रम नहीं उनके सत्संग को देखा। कहड़ संघ तपस्वी थे, योगी थे, और स्वाभाविक ऐसी अवस्था जब आती है तो संसार में बहुत रस नहीं होता। गांव के लोगों के साथ क्या बैठकर गप्पे लड़ाएं, और वहां अधिकतर प्रजा कैसी, खेती का काम काज, साल में 3-4 महीना 5 महीना खेती का काम होता है, बाकी कुछ होता नहीं काम। तो गांव के बाजार में बैठकर चौरे बेसिन गप्पा मारवान, पाना रमवान, जता होता ने जोवान है, ही करवा, यही तो होता है, क्या है। अगेन सौराष्ट्र में उसके लिए शब्द है नवरी बाजार,
वर्ष में 7 महीना नवरी बाजार, 5 महीना खेती का काम है, हो गया पूरा। तो ये नवरी बाजार में उसका हिस्सा बनना कहलसंग को स्वाभाविक ही पसंद नहीं था, और चूंकि कहलसंग इन लोगों से मिलते नहीं थे तो लोग ये समझते थे, अपने आप को क्या समझता है क्या पता, बस हाँ पता है कुछ साधना करता है कुछ भक्ति करता है। अबे यही कराता से आपने तो दरबार गए कहुंबा पानी करा, आ बता धंधे दरबार कदी बाओ बने, तो उनका मजाक उड़ाते थे। एक बार की घटना है, कहलसंग कहीं बाहर गए थे, गांव में अपने घर की ओर लौट रहे थे, और गांव के बीच का चौरो बाजार का विस्तार, वहां एक गाय मरी हुई पड़ी थी, और कुछ लोग 15-20 लोग वहां दुकानों की ओट के ऊपर बातें चीते गॉसिप करते हुए कहलसंग जा रहे हैं, और किसी को मजाक सूझा, अरे ये गाय सुबह से मरी हुई पड़ी है, किसी ने उठाई नहीं, ऐसे बीच गांव में मरी हुई गाय पड़ी है। उनकी मिली भगत थी वो जो मजाक उड़ा रहे थे, एक ने कहा नहीं ये आ रहे ने देखो योगी कहलसंग जोगटा, गाय को तो जीवित कर देंगे वो अपनी शक्ति से। दूसरे 2-3 लोगों ने कहा रे ऐसा कभी होता है, ऐसी शक्ति किसी में होती है, हाँ ये तो सब दिखाने की बातें जोग बोग सब। योग मार्ग के ऊपर जब मजाक चला, इस साधना पद्धति को जब अपमानित किया जा रहा था, कहलसंग सहन नहीं कर पाए। कोई एक पनिहारी जा रही थी, उसके मटके में से पानी लिया, मंत्रोच्चार किया और गाय के ऊपर वो पानी छिड़का, गाय खड़ी हो गई, जीवित हो गई। बनी हुई घटना राजीव भाई, हम्मा 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 करके गाय तो चली गई, लेकिन ये जिन लोगों ने मजाक किया था उनका चेहरा क्या रहा, कापो तो लोई ना निकले भी स्थिति। कहलसंग ने केवल एक दृष्टि ऐसे की उनकी तरफ देखा और अपने घर चले गए। आधे घंटे के अंदर तो पूरे गांव में ओ कहलसंग मृत गाय को जीवित कर दिया, इतनी शक्ति उनके पास है, इतना सिद्धि उनके पास। दूसरी सुबह जब कहलसंग उठे ध्यान किया, गंगा सती को पास में बुलाया और कहा कल ऐसी घटना हुई। गंगा सती कहती है मैं जानती हूं। कहलसंग कहते हैं मैंने एक निश्चय किया है। क्या? अब मैं ये शरीर छोड़कर जाना चाहता हूं। गंगा सती कहती है क्यों? कहलसंग कहते हैं ये सिद्धि का प्रदर्शन करने की मुझे जो इच्छा हुई ना, ये निर्बीज समाधि में से मैं सबीज पर आ गया, ये मेरा अवसादन हुआ। गंगा सती समझाती है कि नाथ आपने तो अच्छा काम किया, किया अच्छा काम, एक गाय को जीवित किया, बात सही है, लेकिन वो जीवित करने की वो बात कहां से आई, वो इग्निशन कहां से आया? वो इग्निशन तो उत्तेजना से आया, किसी ने मजाक उड़ाया तो उसको मैं दिखा दूं तो मेरे पास कौन सी सिद्धि है, इस बात से मुझे वो करना पड़ा।
चित्त की जो निरुद्ध अवस्था है, निर्बीज समाधि की अवस्था, उससे मैं एक कदम नीचे उतरा मैं, कि मुझे इच्छा हुई कि इसको दिखा दूं, समझ क्या रहा है ये। समाज में यदि अधिक रहेंगे तो ये निर्बीज अवस्था में रह नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि अब लोगों को पता चला तो लोगों की तो भीड़ लगेगी, मैं उसमें रहना नहीं चाहता, मैं शरीर छोड़ दूंगा। निर्णय किया, अब गंगा सती भी इतनी उच्च कक्षा की है, वो उसने कहा नाथ आपने यदि निश्चय किया है तो आपके निश्चय को अन्यथा करने वाली मैं कौन हूं, लेकिन इतना है आपकी पत्नी हूं, आप यदि चलेंगे तो आपके साथ मैं भी ये शरीर त्याग करके जाना चाहती हूं, मुझे भी नहीं रहना। कहड़ संघ ने कहा नहीं, तुम्हें रहना होगा। गंगा सती कहती है मुझे कोई हेतु नहीं है, यदि आप ना हो इस संसार में तो मैं क्यों जीवित रहूं। और गंगा सती कोई सामान्य स्त्री नहीं है कि आप नहीं रहोगे तो मेरा कौन, ये मेरा कौन, ऐसा नहीं था उसको, वह भी एक सिद्ध आत्मा थी, उसका भी देह त्याग करना वो केवल पति के पीछे मर जाने की प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन आपके साथ रह करके ये दिव्य साधना करने का जो आनंद आता है, आप यदि न रहोगे तो मेरी साधना खंडित हो जाएगी, आपका स्मरण शुरू हो जाएगा तो मेरी भी समाधि अवस्था टूटेगी, इसलिए मैं भी चलूं। कहड़ संघ कहते हैं कि तुम्हारी मुक्ति के मार्ग को रोकने का मुझे कोई अधिकार नहीं, लेकिन एक जिम्मेदारी है, दायित्व है, वो तुम्हें पूरा करना है, उसके बाद तुम शरीर त्याग कर सकती हो। कौन सा दायित्व? कहड़ संघ कहते हैं ये जिसकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं हमारे जाने की बात को सुनकर, ये पानबाई हमारे साथ आई है, उसको मुक्ति मिलनी चाहिए, और चूंकि वो तुम्हारे संग आई है उसको मुक्ति प्रदान करने का तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा दायित्व है। इतना ज्ञान उसे मिल जाए पानबाई को कि उसको भी मुक्ति का मार्ग मिल जाए, फिर तुम स्वतंत्र हो देह त्याग करने के लिए। समझ गई गंगा सती? कहड़ संघ ने देह त्याग किया, कहड़ संघ की चिता को अग्नि संस्कार किए, दूसरे दिन से गंगा सती ने पानबाई को बोध कराना शुरू किया। 54 दिन तक रोज का एक एक पद, जो गंगा सती के 54 पद है 54, वो एक एक पद पानबाई को रोज सुनाया। पानबाई उस पद पर निरंतर चिंतन करती रही 54 दिन तक। 54वें दिन पानबाई को ज्ञान प्राप्त हुआ, निर्बीज समाधि प्राप्त हुई। 54वें दिन गंगा सती ने देह त्याग किया, और उसके बाद एग्जैक्टली 8वें दिन, 7 दिन के 7 पद पानबाई ने लिखे और 8वें दिन पानबाई ने भी मुक्ति प्राप्त कर ली। ये इतिहास, कहानी नहीं सुनाई मैंने आपको, हिस्ट्री है, और ये गुजरात की पवित्र धरती पर बनी हुई हिस्ट्री, समढियाड़ा गांव भावनगर के हैं, भावनगर से कोई बहुत सारे होंगे। प्रिय स्वजनों, एक कक्षा पर जब योगी पहुंचता है, उसके पास सिद्धि हो लेकिन वो कभी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करेगा, सिद्धि भी उसे बोझ, तो सिद्धि लेकर जीना उससे तो बेहतर है देह त्याग कर दूं। यह अवस्था, और इसके सामने आप देखो जादूगर लोग जो समाज में घूम रहे हैं, ऐसे हाथ वाले फोटो, हाथ में से छुम 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 तेज निकल रहा है, ऐसी पेपर वर्क टेक्निकल
फोटोशॉप में किया हुआ? कोई भी समस्या हो महाराज के पास आओ, और क्रेडिट कार्ड लेके आना मत भूलना। धंधा बना दिया उसको। महाराज जी बहुत समस्या है। अच्छा, इडली कब खाई थी? तीन लोगों को इडली खिला देना, कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। चमत्कारिक ढोंगी लोग हैं ये सब। जिसके पास सिद्धि होगी वो कभी बोलेगा नहीं। जिन पायो ताही छुपायो। इसने भी पाया, उसने छुपाया। कोई निरुद्ध अवस्था है, और वही स्वरूप अपने स्वरूप में रह करके स्वयं में ही तुष्यति। उसके संतोष का कारण वह स्वयं है और कुछ नहीं। बाहर से उसका संतोष नहीं आता, वो स्वयं में संतुष्ट है। ऐसी स्थिति में 21वां श्लोक हम एक एक करीन वधार करसु तो पहुंचा से हो। सैतालीस श्लोक है। सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्वतः। इस स्थिति में यत् अत्यंतिकम सुखम। इस स्थिति में साधक अत्यंतिक सुख का अनुभव करता है। कैसा है यह अत्यंतिक सुख? अति इंद्रियम, बियॉन्ड द सेंस ऑर्गन्स। ये सुख इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है। हमने संसार में जो सुख का अनुभव किया है वो क्या है? इंद्रिय के विषय से संयोग, और प्रॉपर इंद्रिय का प्रॉपर विषय से संयोग। ये सुख के लिए आवश्यक। कोई भी विषय किसी भी इंद्रिय से संयोग में आ जाए तो सुख नहीं होता। मिर्ची का पकौड़ा रसनेन्द्रिय पर, जीभ पर लगे तो सुख का अनुभव होता है। तो प्रॉपर विषय प्रॉपर इंद्रिय के साथ। लेकिन विषय बहुत अच्छा, स्वादिष्ट मिर्ची का पकौड़ा आंख के इंद्रिय में डालो, आया मजा, सुख मिला? नहीं। विषय तो है लेकिन वो योग्य इंद्रिय के साथ नहीं आया। तो योग्य विषय योग्य इंद्रिय के साथ जब संयोग में आता है तो हम उसे कहते हैं सुख। तो हमने सुख का अनुभव कब किया? इंद्रिय के साथ किया। जब ये आत्यंतिक सुख है, कृष्ण कहते हैं वो अतीन्द्रिय है। इट इज बियॉन्ड द परसेप्शन ऑफ सेंस ऑर्गन्स। इंद्रियां इसे समझ नहीं सकती, इस सुख को। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में चार या पांच बार ऐसे सुख का वर्णन किया, विशेषण बदल दिए। भगवत गीता में पांचवें अध्याय के 21वें श्लोक में प्रभु ने यह बात की थी। बाह्य स्पर्शे श्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा अक्षय्य सुखम् सुखम् अक्षय्यम् अश्नुते सुखम अक्षयम। अक्षय सुख यहां पर छठे अध्याय के 21वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं आत्यंतिक सुख।
कल शायद श्लोक आ जाएगा, शायद नहीं, कल तो लाना पड़ेगा, 6वें अध्याय का 28वां श्लोक। उसमें देखिए प्रभु कहते हैं, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते अत्यंतम सुखम। 5वें अध्याय में अक्षय सुख, यहां 21वें श्लोक में अत्यंतिक सुख, 28वें श्लोक में भी अत्यंतम सुखम, और फिर 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं ब्रह्मण, 14वें अध्याय का अंतिम श्लोक, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च एकांतिक सुख। अक्षय सुख, आत्यंतिक सुख, अत्यंत सुख, एकांतिक सुख, ये भगवान बात करें, अत्यंत सुख। ये सुख कौन सा है? पहली बात, ये सुख इंद्रिय की पकड़ में आने वाला नहीं, इसलिए भगवान ने कहा अतीन्द्रिय। तो पहले तो हमारी जो सुख की धारणा है, हमारे जो सुख के अनुभव है, उससे ऊपर की बात है ये। तो कौन पकड़ेगा? चलो हमने तो यही देखा कि सुख तो इंद्रिय को ही पता चलता है, आंख ने कुछ अच्छा देखा सुख मिला, कान ने कुछ अच्छा सुना सुख मिला, जीभ ने कुछ अच्छा चखा सुख मिला। यदि इंद्रिय के पकड़ में नहीं है, अतीन्द्रिय है, तो ये सुख समझ में कैसे आएगा? भगवान ने कहा बुद्धिग्राह्यम, बुद्धि से समझ में आएगा, बुद्धि इसको पकड़ सकती है, न इंद्रिय पकड़ेगी न मन पकड़ेगा, बुद्धि इस सुख को पकड़ेगी। और ऐसे सुख का जब अनुभव करता है, यत्र जिस अवस्था में करता है वहीं पर स्थित हुआ है अयम तत्वतः एव, फिर ये तत्व से, फिर ये अनुभव से न चलती, वो चलित नहीं होता है। ऐसे ये बुद्धि ग्राह्य सुख से, केवल नशे में या मोहजन्य सुख नहीं है, ये अत्यंतिक सुख है, बुद्धिग्राह्य सुख है। और ऐसे सुख का अनुभव कैसा होता है? 22 और 23वें श्लोक में भी प्रभु उसी अनुभव का वर्णन करते हैं, कल आकर के उस पर हम चिंतन करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ॐ शांति शांति शांति।